प्रभात एग्जाम की टीम ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की तैयारी के लिए रीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की शुरुआत की है। इस सीरीज में हम रोजाना रीट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। रीट की परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए आप प्रभात प्रकाशन की पुस्तकों को Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आइए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। ए साभिप्राय व्यवहार, बी वस्तु स्थायित्व, सी समस्या समाधान, डी प्रयोग करना। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। ए शिक्षक सूचना और प्राधिकार से प्रवर्तक होते हैं, बी ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, सी अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है, डी परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है। ऑप्शन ए अंतःवैयक्तिक, बी भाषिक, सी गतिक, डी अंतःवैयक्तिक। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, ये तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। ए चार्ल्स डार्विन, बी बी एफ स्किनर, सी यूरी ब्रोन फैन बर्नर, डी लैव वाइगोत्स्की। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है। ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब को स्थिर रखना, बी भूकंपों की आवृत्ति को घटाना, सी मानसूनों की विफलता को बचाना, डी भूतल पर आने वाली पराबैंगनी विकिरण को थामना। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर बैठा। उसने शकों को पराजित कर निम्न में कौन सी उपाधि धारण की। ए महाराजा की, बी चक्रवर्ती की, सी शकारी विक्रमादित्य की, डी महासम्राट की। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की मानक समय यमुनोत्तर रेखा है। ऑप्शन ए 82° 30' पूर्वी देशांतर, बी 97° 25' पूर्वी देशांतर, सी 68° 7' पूर्वी देशांतर, डी 76° 76' पूर्वी देशांतर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न देशों में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है। ए इंडोनेशिया, बी सिंगापुर, सी दक्षिण कोरिया, डी फिलीपींस। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए सामाजिक समरसता का विकास करना, बी सामाजिक व्यवस्था का नव निर्माण करना, सी सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना, डी उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा में सामाजिक रूप से उपेक्षित बच्चे के प्रोत्साहन के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, सामाजिक कुरीतियों पर कटाक्ष करेंगे। बी, अंधविश्वासों की उपेक्षा करेंगे। सी, समाज के रीति रिवाजों का विश्लेषण करेंगे। डी, समाज की बुराइयों को कम करने एवं अच्छाइयों को प्रोत्साहित करने को कहेंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए, बाबर और राणा सांगा। बी, बाबर और इब्राहिम लोदी। सी, बाबर और सिकंदर लोदी। डी, बाबर और हयात खान। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ए, उत्तरी ध्रुव पर। बी, भूमध्य रेखा पर। सी, दक्षिणी ध्रुव पर। डी, कर्क रेखा पर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, संज्ञा का वो रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, करण कारक। बी, संबंध कारक। सी, अपादान कारक। डी, अधिकरण कारक। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए, विषय वस्तु को स्पष्ट व तार्किक रूप से संगठित करना। बी, लेख को कुशलतापूर्वक लिखना। सी, व्याकरण का सही उपयोग। डी, विचारों के बीच संबंध स्थापित न करना। सही जवाब ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 15, बाल घात का प्रयोग होगा ए, श्रवण कौशल में। बी, बोलने के कौशल में। सी, पठन कौशल में। डी, लेखन कौशल में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ना ये किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है? ऑप्शन ए, श्रवण कौशल का। बी, लेखन कौशल का। सी, बोलने की कौशल का। डी, पठन कौशल का। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लेबोरेटरी इक्विपमेंट फॉर अ स्कूल साइंस जनरल रिक्वायर्स द स्टूडेंट्स टू प्रेजेंट द फॉलोइंग। ऑप्शन ए, फंक्शन, अपीयरेंस, लोकेशन। बी, कंपैरिजंस, फंक्शंस, यूजर्स। सी, अपीयरेंसेस, यूजर्स, लोकेशन। डी, फंक्शन, अपीयरेंस, यूज। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, An early emphasis on linguistic accuracy along with prompt error correction in second language class at class 5 level results in students A. Learning only the minimum or less B. Not learning at all C. Mastering the language more quickly D. Failure to achieve requisite proficiency required to that level और इसका सही जवाब होगा option A. क्वेश्चन नंबर 19, डैश फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन स्कूल्स एज वेल एज बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड प्रोग्रामर्स और बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड डेटा। ऑप्शन ए, वॉइस रिकॉर्डर्स। बी, कंप्यूटर्स। सी, रेफरेंस बुक्स। डी, व्हाइट बोर्ड्स। और सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस विद रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज एक्विजिशन Among young children implies at that they would. Option A, not recognize human language. B,
Need more stimulus at home for learning languages? C. Express themselves ungrammatically? D. Read letter? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। और इसी के साथ ये सेट समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।